राधे राधे दोस्तों, राधा और कृष्ण के विवाह का गवाह है भांडीर वन। मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन बट वृक्ष है। लोकोक्तियों के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ था। बट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में कृष्ण, राधा और ब्रह्मा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सच्चे प्यार का जिक्र हो तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम याद आता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी अप्रियतम है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध हैं। राधा कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है, उनकी पूजा भी एक साथ ही की जाती है। फिर भी राधा को लेकर लोगों के बीच दो तरह की धारणाएं मिलती हैं। लोगों का एक वर्ग कहता है राधा कृष्ण का अटूट प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं था, और दूसरी ओर यही धारणा है कि राधा का चरित्र सिर्फ एक कोरी कल्पना मात्र है। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण का विवाह रानी रुक्मणी से हुआ था, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो यह बताते हैं कि कृष्ण ने राधा से भी विवाह किया था। मथुरा के करीब 25 किलोमीटर दूर माट तहसील के गांव छहरी के समीप यमुना किनारे भांडीर वन है। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ माना जाता है। हालांकि कृष्ण और राधा के कथानक से परिचित ज़्यादातर भक्त यही जानते हैं कि दोनों का कभी विवाह नहीं हो सका, परंतु गौंडीय संप्रदाय में राधा कृष्ण के विवाह होने का विश्वास किया जाता है। ब्रज के भांडीर वन में राधा कृष्ण के प्रागढ़ प्रेम के अध्याय का हर अक्षर साक्षात होता है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ अवतरित होकर राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। ब्रह्म विवर्त पुराण श्री गर्ग संहिता और गीत गोविंद में राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन मिलता है। यमुना किनारे करीब 6 एकड़ परिधि में फैले भांडीर वन में एक बड़ी संख्या में कदम व अन्य तरह के प्राचीन वृक्ष मौजूद हैं। यहाँ स्थित मंदिर में राधा और श्याम की जोड़ी विग्रह रूप में विराजमान है। इस मूर्ति में कृष्ण का दाहिना हाथ राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। मंदिर प्रांगण में ही एक प्राचीन बट वृक्ष है। लोकोक्तियों के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ था। बट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में कृष्ण, राधा और ब्रह्मा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। महर्षि गर्ग द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के जीवन का विस्तार से जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ के अलग अलग कई खंडों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर गोलोक गमन तक हर घटना का विस्तार में वर्णन है। संगीता के गोलोक खंड में इस विवाह का पूरा ब्यौरा दिया गया है। गीत गोविंद में भी एक बार नंद बाबा के श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन में जाने की बात कही गई है। कथानक के अनुसार सघन वृक्षों में घिरा होने के चलते इस वन में सूर्य की किरणें भी बहुत ही कम प्रवेश करती थीं। सहसा चारों ओर काले काले बादल घिराए और तेज आंधी के साथ वर्षा भी प्रारंभ हो गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। ऐसे में नंद बाबा भयभीत हो उठे और उन्होंने अपनी गोद में कन्हैया को सावधानी से छिपा लिया। उसी समय वहां 16 श्रृंगार किए हुए अपूर्व सुंदरी राधा एक ज्योति पुंज के रूप में उपस्थित हुईं। उन्होंने नंद बाबा के आगे अपने दोनों हाथों को पसार दिया, जैसे कि कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती हो। विस्मृत नंद बाबा ने कृष्ण को उन्हें समर्पित कर दिया। राधा कृष्ण को इसी भांडीर बट के नीचे ले गईं। वहाँ पहुँचते श्री कृष्ण युवक रूप में प्रकट हो गए। राधा के आह्वान पर ही वहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों द्वारा दोनों का विवाह संपन्न कराया। विवाहोपरांत कृष्ण ने पुनः बालक का रूप धारण कर लिया और राधा ने कृष्ण को पूर्ववत प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा को सौंप दिया। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक समय गर्मी के दिनों में सखाओं के साथ श्री कृष्ण ने गायों को यमुना में पानी पिलाकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। स्वयं मंडली वृद्ध होकर भोजन मृगीणा कौतुक में इतने मग्न हो गए उन्हें यह पता ही नहीं चला गाय उन्हें छोड़कर बहुत दूर निकल गईं। इधर उन्हें सखा भी श्री कृष्ण और बलदाऊ को बिना सूचित किए गायों को खोजते हुए घने वन में प्रवेश कर गए। इसी दौरान दुष्ट राजा कंस के अनुचरों ने वन में आग लगा दी और बचने का और कोई उपाय न देखकर वह कृष्ण को पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने पल भर में उस दावाग्नि को दमन कर लिया। सखाओं ने आंखें खोलते ही देखा वे सभी भांडीर भट्ट की शीतल छाया में कृष्ण और बलदाऊ के साथ पहले की तरह भोजन करने और खेल खेलने में मग्न हैं। पास में गायें भी जुगाली करती हुई आराम से बैठी हैं। दावाग्नि की विपत्ति उन्हें एक स्वप्न की भांति प्रतीत हुई। श्री कृष्ण ने जिस जगह पर दावाग्नि दमन किया उसका वर्तमान नाम अगियारा है। यह स्थान यमुना के उस पार भांडीर गांव में आज भी मौजूद है। श्रीमद् भागवत
कथा में भी इस लीला का विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्रह्मवेवर्त पुराण में भी इस घटना के सारे विस्तार में लिखे गए हैं। यह नारायण नारद मुनि को इसी घटना के बारे में विस्तार से बताती हैं। नारायण कहते हैं, पूर्व की घटनाओं और वचनों के चलते उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ एक विवाह का आयोजन करना था, जिसे उन्हें ब्रह्मा का उपस्थित पूरा किया। भांडीर वन को राधा और कृष्ण से संबंधित होने के कारण बहुत पवित्र माना जाता है। भांडीर वन की वृक्ष राधा कृष्ण के साथ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। साथ ही वहां लगी एक सूचना पट पर इस आयोजन का पुनर्वर्णन भी लिखा हुआ है। जिस मंडप में भगवान श्री कृष्ण और राधा के फेरे हुए थे, वह मंडप भी यहां मौजूद है। यह मंडप वट वृक्ष के पेड़ों से बना हुआ है। इसमें एक तरफ राधा और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ये थी राधा कृष्ण के विवाह की कहानी, जो आज भी मानी जाती है, गर्ग संहिता में भी लिखा हुआ है। तो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बताइएगा। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में।